Citylive, a platform to sharing your thoughts. राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मशहूर कलाकार यशपाल शर्मा आए हैं, यहाँ इनकी फिल्म का भी प्रदर्शन हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। यशपाल, आपकी फिल्म यहाँ पर देखी और खचाखच भरा हुआ था पूरा हॉल, और यहाँ जितने मैंने भी बात किया लोगों ने, बहुत बेहतरीन फिल्म थी। क्या थीम है इस फिल्म की, जो मूसा फिल्म है आपकी? ये फिल्म अकेलेपन की है और नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इस फिल्म को। फिल्म को मतलब इस नॉवलिस्ट को, नॉवल को, जॉन स्टीनबेक को। ऑफ माइस एंड मैन नॉवल था ये, जिसको पूरा अडॉप्ट किया है देसी भाषा में। और एक हर इंसान की एक अकेलापन की कहानी है ये, क्योंकि रिसेशन के वक्त लिखी गई थी और उसी के ऊपर लिखी गई थी, तो उसमें सुसाइडल मोमेंट्स भी बहुत थे। और उसमें एक मासूम बच्चे जैसा एक जो रोल है वो मेरा है, तो जिसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है और जिसको सब अच्छे लगते हैं, उसके मन में कोई पाप नहीं है। और यहाँ सब लोग मतलब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग से जी रहे हैं, तो उस एक माहौल में बीच में कैसे ये बच्चा और एक इसका दोस्त, इन दो दोस्तों की कहानी है। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, फिल्म देखेंगे तो मज़ा आएगा। आप एक जो कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री है, आप कमर्शियल फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही ये आर्ट और इस तरह की जो फिल्म है, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं सबको? नहीं, बस अभी थोड़ा सा कमर्शियल फिल्मों से उब गया हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो अभी बहुत सारे काम ऐसे करने जा रहा हूँ जिसमें सेटिस्फेक्शन वाले हैं, फेस्टिवल वाले हैं, नाटक हैं, थिएटर है, डायरेक्शन है, मेरी खुद की फिल्म है जो बन चुकी है, अभी एडिटिंग चल रही है, इसे एक काम है जो कुछ कर रहा हूँ। रिफ का 6th एडिशन है, तो यहाँ जयपुर जैसे सेंटर्स पे इस तरह के फिल्मों के आयोजन होते हैं, क्या इससे फिल्म मेकिंग को और जो यहाँ का टैलेंट है उनको कितना मनोबल उनका बढ़ता है, कितना बूस्टअप मिलता है? बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ। देखो, जैसे जो लिस्ट है फिल्मों की, जहाँ जो फिल्में देख यहाँ दिखाई जा रही हैं, वो फिल्में आपको सिनेमा हॉल में जाके नहीं मिलेंगी देखने को, या उसको यूट्यूब में नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है कि यहाँ जयपुर के लोगों, राजस्थान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरीके का सिनेमा और उनके डायरेक्टर, उनके एक्टर्स आपके सामने बात करने को बैठे हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है मास कम्युनिकेशन हो गए जैसे, या जर्नलिज्म के लोग हो गए, या बहुत सारे जिस जो भी मास इसमें है सोशल मीडिया में भी, उन सबको यहाँ ये फेस्टिवल देख करके बहुत कुछ सीखना चाहिए। और पता नहीं कब कहाँ कौन क्या बन जाए, क्या निकल जाए, कहाँ से कौन सी फिल्म आपको क्लिक कर दे कि यार ये तो कमाल है। जैसे मदर इंडिया से मुझे बचपन से, दो आंखें बारह हाथ, या कुछ फिल्में दो बीघा ज़मीन, ये फिल्में बचपन से आज तक मेरे को ऐसे जहन में हैं, तो पता नहीं किसके दिमाग में कौन सी फिल्म जहन में छा जाए और उससे इंस्पायर होकर क्या आप कर डाले। वो फीचर फिल्म का जो कैनवास, जो बैनर जो होता है उसकी, अब अगर छोटे छोटे जो फिल्म मेकर अब शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म और ये डॉक्यूमेंट्री और इस तरह की फिल्मों में अगर छोटा टैलेंट है, उसको मदद करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है कितना मददगार साबित हो सकता है? देखिए, ये तो अब आजकल के जो लोग, जनरेशन है, बहुत लक्की है कि आपके पास यूट्यूब भी है और आपके पास बहुत कुछ है, इतने चैनल हैं, इतने ऐप हैं कि आप कुछ शॉर्ट फिल्में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी वायरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो बेस्ट टाइम है मतलब इस चीज़ के, अच्छे टैलेंट को आगे आने का। और आप अगर, आपके दिमाग में आइडिया अच्छा है, चाहे दो मिनट का ही क्यों ना हो, आप बना करके यूट्यूब में डालिए, आप तुरंत, आपको दुनिया आपको हाथों हाथ लेगी अगर आइडिया अच्छा है तो। तो इसलिए मुझे लगता है कि टैलेंट जो है वही मेन है इसमें, ना कि किसी की सिफारिश या कोई जुगाड़बाजी, या काम जो अच्छा होगा वो अच्छा है। थे यशपाल शर्मा, मशहूर फिल्म अभिनेता, यहाँ इनकी फिल्म का प्रदर्शन हुआ है, साथ ही उन्होंने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजनों की सराहना की ताकि इससे नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव, जयपुर। City Live, a platform to sharing your thoughts.